वैज्ञानिक चिकित्सक डॉक्टर आर एन साहू ने बताया कोरोना से कैसे बचा जाए और सरकार की क्या जिम्मेदारी है। मीडिया भी अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाए एवं अपनी खबरों में ऐसा संदेश दे कि लोगों के लिए पहल बन जाए। मैं डॉक्टर आर एन साहू, मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हेल्थ डिपार्टमेंट साइकियाट्री गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल से। सर, ये नया स्ट्रेन इसका जो वायरस का है, ये कितना घातक है और किस तरह से लोग बचाव करें? जैसा आपने सुनने में आया था कि एक ब्रिटेन का वेरिएंट है, न्यूजीलैंड का वेरिएंट है, अब एक प्रकार का एशिया वेरिएंट है, इंडियन वेरिएंट भी है। अब इसकी जो घातक क्षमता है, जो मारने की जो ताकत है लोगों को, वो पहले वाले वायरस की अपेक्षा कई गुना ज़्यादा है। और पहले लोगों को डेथ भी होती थी, पहले भी हुई है डेथ, पर उसमें थोड़ा टाइम लगता था। पर ये वायरस इतना घातक प्रभाव करता है कि कुछ ही दिनों में आदमी को जो है मृत्यु में परिवर्तित कर देता है। अब सवाल ये है कि जो वेरिएंट इसके कोरोना के आ रहे हैं, जो परिवर्तनशील जो रूप इसके आ रहे हैं, नए नए म्यूटेशन हो रहे हैं, इससे हम आम जनता, हम सभी लोग कैसे बचाव करें और कैसे इस कारण से हो रहे जो डिप्रेशन है बढ़ रहा है लोगों के अंदर विश्वास की आत्मविश्वास खत्म होता जा रहा है, लोगों के अंदर भय, घबराहट और डर का माहौल पैदा हो गया है, वो सबको हम कैसे दूर करें? उसका दूर करने का तरीका यही है कि एक तो सबसे बड़ी जरूरत होती है जीवन में, वो है धैर्य की, पेशेंस बनाए रखें। पहला काम, हर समस्या का निदान होता है, हर महामारी का निदान होता है, आज नहीं तो कल ये यहाँ से ख़त्म होगा, ये निश्चित है। ये ऐसा नहीं है कि हमेशा हमारे साथ रहेगा कोई, उसके साथ साथ हमें इसके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए ताकि हम इससे दूर रहें। ये कोरोना वायरस है, ये हमारे घर में जबरदस्ती नहीं आता जब तक कि हम खुद के दरवाजे ना खोलें और खुद उसको ना बुलाएं। तो अगर हम मास्क लगाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं, फालतू रोड पे नहीं घूमते हैं, फालतू इधर उधर जाना नहीं करते हैं और हेल्दी लाइफ स्टाइल जीते हैं। जब हम कहते हैं कि हेल्दी लाइफ स्टाइल, तो ये एक चारों आयाम को हमें देखना पड़ता है कि हमें फिजिकल हेल्थ जो है, अगर हमें डायबिटीज़ है तो उसका पूरा इलाज कराएं, ब्लड प्रेशर है उसका देखें, कोई हार्ट की बीमारी है तो उसका इलाज ठीक से करें, और कोई गंभीर किडनी से संबंधित कोई भी रोग हो उसका हमें समुचित दवाई लेते रहें और फिट रहने की कोशिश करें। पहली बात। दूसरी बात, हम जब तक मानसिक रूप से फिट नहीं होते तब तक हम शारीरिक रूप से फिट नहीं हो सकते, क्योंकि कोरोना काल में आपने देखा होगा कि डिप्रेशन या मानसिक बीमारियाँ बहुत बड़ी हैं, लोगों के अंदर फोबिया डेवलप हुआ है, और जब डिप्रेशन बढ़ता है तो लोगों के अंदर उनकी जो इम्यूनिटी होती है वो कम होती है। तो हमें ज़रूरत है कि माइंड से फिट रहें, तभी हम शरीर से फिट रहेंगे। तो हमें डिप्रेशन को दूर भगाना है, उसके लिए हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखना पड़ेगी और ज़रूरत पड़े तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए ताकि हम समय पर उचित उपचार ले सकें। अगर हम मानसिक रूप से टूट गए, मानसिक रूप से हताश हो गए, निराश हो गए, उदास हो गए और आत्मबल खो दिया, तो हम इस बीमारी से नहीं लड़ पाएंगे, ये हमारे ऊपर और घातक होगी और प्रकोप बढ़ेगा उसका, और हम और इसके चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि अगर हमें मानसिक रूप से हम स्वस्थ रहें, उसके लिए हमारी जो दैनिक प्रक्रिया है, जैसे योग करना है, शारीरिक व्यायाम है, खान पान है, दैनिक प्रक्रियाएं जो हमारी दिनचर्या में नियमितता होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, इंटरटेनमेंट होना चाहिए, काफ़ी नींद भी हमारी ठीक होना चाहिए, व्यायाम भी हमारा ठीक होना चाहिए, और जो भी काम हम कर सकते हैं अपने घर से वो हम ज़रूर करते रहें, इंटरटेनमेंट का भी देखें, अपना जो वर्क है, जो हमारा भरण पोषण के लिए जीवन के लिए ज़रूरी है, वो भी हम अपने घर से करने की कोशिश करें, तभी ये समस्या से हम अच्छे से सक्षम होकर के ही जूझ पाएंगे और इसे हम दूर कर पाएंगे। दूसरी बात यह होती है कि ये समय ऐसा आता है जो आजकल की जीवन शैली है, आजकल का जो जीवन है वो एक प्रकार से भाग दौड़ का हो गया था। अब जो है ये एक प्रकार की प्राकृतिक जो आपदा आई है, इसने हमें बता दिया है कि आप भाग दौड़ ज़्यादा मत करिए, घर में रहिए। पर घर में ज़रूर रहिए, पर कोरोना ने ये में ये नहीं हो रहा है कि आप फिजिकल डिस्टेंस बढ़ाइए, लेकिन दिल की डिस्टेंस दूर नहीं करिए, आत्मीयता दूर नहीं करिए। हम दूसरे माध्यमों से भी
दूसरे माध्यमों से भी हम अपने आत्मियों से बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। केवल हमें सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंस का ध्यान रखना है, पहली बात। दूसरा क्या होता है कि जब काम नहीं होता, आदमी का काम खत्म हो रहा है, क्योंकि आर्थिक रूप से भी लोग कमज़ोर होते जा रहे हैं, पैसा नहीं है तो कैसे जीवन चलेगा, उसके लिए हमें भगवान ने दिमाग दिया है और हमें अपने दिमाग का सही उपयोग करना चाहिए कि हम ऐसा क्या काम कर सकते हैं जिससे कि हमारा जीवन चलता रहे। बहुत से कार्य होते हैं, अगर आप आत्मचिंतन करेंगे तो आप पाएंगे कि तरह तरह की चीज़ें लोग कर रहे हैं और उससे उनका जीवन चल रहा है, चाहे वो अचार बनाना हो, चाहे वो मांस बनाना हो, चाहे वो पापड़ बनाना हो, चाहे वो दूसरे खेलकूद की चीज़ें हों, या आज के समय में लोग कैसे टाइम पास करें उसके लिए कोई चीज़ें बनाना हो, तो ये सब हमें करना पड़ेगा। हमें हर व्यक्ति का माइंड अलग होता है, हर व्यक्ति अपने हिसाब से नए नए प्रयोग कर सकता है, घर बैठे बैठे आत्मचिंतन करके वो नया काम कर सकता है और अपने जीवन के नए आयाम दे सकता है। ऐसा नहीं है कि हम जो काम कर रहे थे वही इनफ है, नहीं, हमें और पॉजिटिव होकर के सोचना पड़ेगा कि ये मौका मिला है, हम क्यों ना आत्म परीक्षण करें, आत्मनिरीक्षण करें और कुछ ऐसा कुछ करें जो हम कुछ खुद को तो सुरक्षित रख पाएँ पर समाज को भी सुरक्षा प्रदान करें, अपने परिवार को सुरक्षा प्रदान करें और साथ में इनडायरेक्टली अपने राष्ट्र को सुरक्षा प्रदान करें। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है किसी भी महामारी से बचने के लिए, वो है वैक्सीनेशन। जो कोरोना की वैक्सीनेशन हमारे उपलब्ध है और भी नई नई वैक्सीन आने वाली है, हमें वैक्सीन ज़रूर लगवाना चाहिए। लोगों के अंदर जो भ्रम फैलाया गया है वो गलत है, ये साइंटिफिक चीज़ है, इसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। सभी लोगों को मैं तो यह अनुरोध करूँगा, बल्कि उनसे प्रार्थना करूँगा कि वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। वैक्सीन ही एक चीज़ है जो हमें इस बीमारी से बचा सकती है। वैक्सीन के साथ में हमें ये सावधानी बरतना चाहिए कि वैक्सीन ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लगवा ली तो आप सब चीज़ों से मुक्त हो गए, नहीं, अपनी जिम्मेदारी का पालन उतने ही तरीके से आप करते रहें, मास्क का उपयोग करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग करते रहें और अपनी दैनिक जो दिनचर्या है उसका ठीक ठीक ठाक रखें, खान पान ठीक ठाक रखें, व्यायाम ठीक ठाक रखें, योग प्राणायाम करते रहें या फिजिकल एक्सरसाइज करते रहें, तो कोई कारण नहीं है कि कोरोना आपका कुछ बिगाड़ पाएगा, ये कुछ नहीं कर सकता, कितने ही वेरियंट आ जाएँ, लेकिन आपका जीवन, आपका स्वास्थ्य, आपका मन आपके हाथ में है, अपने आप को मजबूत रखिए और जो चीज़ें बताई गई हैं उन सबका पालन करिए, तो आपको कोई कारण नहीं है कि आपको कोरोना से कोई इन्फेक्शन हो। हल्का है और ये हवा में तैरकर लोगों तक पहुंच रहा, संक्रमित कर रहा, तो सर कैसे, कितनी टाइम हाथ धोएं, कितना दूरी बना के रखें? राइट, देखिए अभी तक अपने जो इसके बारे में जो साइंटिफिक विश्लेषण था वो ये था कि साहब ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है, लोगों के आसपास बैठने से फैलता है, लेकिन अभी कुछ चीज़ों में ये समझ में आया है कि हमारे ड्रॉपलेट के साथ साथ ये एयर में भी रहता है और ये एयर में ऐसा नहीं है कि कोई 24 घंटे बैठा रहता है, कुछ घंटे तक रहता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग ऐसी रखें और अपने आप को ऐसी जगह बिठाएं ताकि अगर एयर में भी है तो ऐसा नहीं है कि हम कोई कोरोना मरीज के पास गए तो कोई एक मिनट में इन्फेक्ट हो जाएंगे। अगर उसके डिपेंड करता है कि उस सामने वाले व्यक्ति में कितना वायरल लोड है, अगर वायरल लोड उसमें ज़्यादा है तो इन्फेक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी, अन्यथा कोई जरूरी नहीं दूसरे आदमी इन्फेक्ट हो। तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ी सी बढ़ा दें और अपने आप मास्क आप लगा ही रहे हैं, अच्छी क्वालिटी का मास्क लगाएं ताकि वो जो है आपको इन्फेक्ट ना कर पाए। पर ये स्प्रेड हो रहा है एयर में भी, यस ऑफकोर्स, ये सही बात है। अच्छा, गर्म खाने से कहते हैं कि जैसे गर्म पानी पिए, गर्म चाय पिए, तो इससे भी वो वायरस गले से दूर हो सकता है? कितने दिन तक तो गलों में रहता है या नाक में रहता है, ऐसा कुछ है? यस, देखिए ऐसा रहता है कि हम जैसे गर्म पानी है, हम कहते हैं जब किसी आदमी को सर्दी है तो सार्स ग्रुप का वायरस, जो सर्दी जुकाम का जो वायरस होता है उसी का एक वेरियंट है, ये कोई नया कुछ नहीं है, उसी का इसका इसी नाम, जैसे आपने नाम देखा इसका कोरोना नाम है, कोरोना का मतलब है प्रिंस, क्राउन जिसके सर पे लगा हुआ है, इस कारण इसका नाम कोरोना कहलाता है। तो ये एक सर्दी जुकाम का वायरस है, इसका थोड़ा सा म्यूटेशन हो गया और ये इन्फेक्टिव हो गया, घातक हो गया। तो हम पहले भी जब सर्दी जुकाम होते थे लोगों से बोलते थे भाई अदरक की चाय पियो, गर्म पानी लो, कड़क चाय पियो, काढ़ा लो, तो वो सब चीज़ें इसमें भी लागू होती हैं।
अगर हम गार्गल करते हैं, कुल्ला करते हैं, गला हमारा अगर ख़राब है तो गर्म पानी पीते हैं, सब करते हैं, तो उससे जो है इसका प्रकोप कम होगा, ये सही बात है। और इससे ही मतलब नहीं है, हमें दूसरी बीमारियां भी साथ में होती रहती हैं, तो उससे भी हम दूर रहेंगे अगर हम सावधानी फॉलो करते हैं। तो हमें ये नहीं है कि कोरोना आ गया तो बाकी बीमारियां ख़त्म हो गई, वो भी साथ में चलती रहती हैं। तो अगर हमें सावधानी बरतते हैं तो अच्छी बात है, इससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बहुत पैसा लग रहा है यार फाइन में, एक जरा सा मास्क ही लगाने से साला एक दिन इतना 1000 रुपये लग जाते हैं, 2000 रुपये लग जाते हैं, इससे अच्छा है यार रोज मास्क ही लगा लो। लोग पूरे विश्व में, इस दुनिया में लोग दो तरीके से काम करते हैं, या तो डर से काम करते हैं या वो स्वार्थ से काम करते हैं। तो डर का बहुत बड़ा रोल होता है, अगर हमें मालूम पड़ता है वहाँ पुलिस खड़ी हुई है तो आदमी अपने आप बेल्ट भी लगा लेगा, सीट बेल्ट लगा लेगा, गाड़ी ठीक कर लेगा, सब कर लेगा। तो हमें लोगों को अंदर की वही बात पैदा करना है कि अगर तुमने मास्क नहीं लगाया तो कोरोना तुम्हारे अंदर घुसेगा पक्का 100%, अगर तुमने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करी। ये बात हमारे लोगों के दिमाग में बिठानी है, और तभी बिठाई जा सकती है जब उनको डर होगा कि पुलिस पकड़ लेगी, फाइन हो जाएगा, इतना पैसा लग जाएगा। बेहतर है कि मास्क लगा लो यार, दूर खड़े रहो, क्या फर्क पड़ता है। लोग अपने आप डिसिप्लिन हो जाएंगे, जिस दिन लोग डिसिप्लिन हो जाएंगे ये समस्या अपने आप धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। आप लोगों को एक और बात यहाँ पर कहना पसंद करूँगा, जो मैं रोज़ 24 घंटे अपन देखते रहते हैं, मीडिया का क्या रोल है, एक समाचार पत्रों की क्या जिम्मेदारी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया की क्या जिम्मेदारी है। मेरा आप लोगों से भी प्रार्थना भी है और अनुरोध भी है कि हमें जो न्यूज़ देना है, हम किसी भी चीज़ को कई तरीके से कह सकते हैं, कहने का तरीका थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। हमें ऐसे नहीं बताना चाहिए जैसे कोई क्रिकेट का स्कोर चल रहा हो, आज इतने मर गए, आज इतने हो गए, आज इतनी लाशें देखी गई। इससे क्या होगा, समाज वैसे ही डरा हुआ है, वैसे ही भय में जी रहा है। अगर हम उसके अंदर और भय पैदा करेंगे, और डर पैदा करेंगे, और डिप्रेशन पैदा करेंगे, तो वो बीमारी ही उसके अंदर बढ़ती जाएगी, ये कम नहीं होगी। तो मीडिया को भी अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए, जिम्मेदारी से हर चीज़ को बताना चाहिए, भय नहीं फैलाना चाहिए, डर नहीं फैलाना चाहिए, पॉजिटिव चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिससे कि समाज के अंदर जो निगेटिविटी फैल रही है वो निगेटिविटी ख़त्म हो और उसके स्थान पे पॉजिटिविटी लें। हमें ये बताना चाहिए कि ये पैंडेमिक जो है, जो महामारियाँ हैं, ये हर 100 साल में होती रहती हैं, और उससे समाज बाहर आया है और इससे भी बाहर आ जाएगा। लेकिन हम दिन भर मौत के आंकड़े दिखाते रहें, इन्फेक्टेड लोगों के नंबर बताते रहे, कभी इतने लाख, इतने हज़ार, इससे क्या होना है, लोगों के अंदर डर ही भय पैदा होना है। हमें उसी चीज़ को हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि इतने लोगों ने मास्क लगाया था, उन लोगों को बीमारी नहीं हुई, इतने लोगों ने ये काम किया, उनको भी बीमारी नहीं हुई, ताकि हम लोगों को सचेत कर सकें। और सरकार की भी जिम्मेदारी होती है कि जिस प्रकार से हम हेलमेट नहीं लगाने पर, अगर गवर्नमेंट यहाँ स्ट्रिक्ट होती है, जिन जिन कंट्री में गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट होती है, सिंगापुर लो, कोई सी भी लो, अगर वो हेलमेट नहीं लगाते हैं या रोड पे थूकते हैं, उन पर बहुत ज़्यादा फाइन किया जाता है, और उस फाइन के डर के मारे लोग जो है वो काम नहीं करते हैं। अगर हिंदुस्तान में सरकार दो ही काम कर दे, स्ट्रिक्ट हो जाए, बगैर मास्क के कोई आदमी नहीं निकलेगा, और मास्क का भी मतलब है वो बराबर ठीक से मास्क लगा के, और उसमें हैवी फाइन रखना चाहिए, ये करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएं। अगर ये दो काम करा लेते हैं तो हमें कोई लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सारा पुलिस फोर्स इसमें लगना चाहिए कि लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और अपना कार्य करते रहें, जीवन चलता रहे। लॉकडाउन समस्या का समाधान नहीं है, समस्या का समाधान है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और वैक्सीनेशन।